हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप कि सब बढ़िया होंगे। अभी टाइम हो रहा है कितना, 3:30 बज रहे हैं। आज मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ी सी बीमार थी, तो अभी भी मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ही कर लेते हैं। असल में आज मेरे यहाँ पूजा भी थी, तो वहाँ भी जाना था। अभी वहाँ से मतलब मेरे पुराने घर पे था, तो अभी हम फ्री हुए हैं वहाँ से, खाना पीना खा के पूजा वूजा के बाद। तो मुझे अभी टाइम मिला थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। सब छोड़ो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ। मैं ऐसे फ़ोन करके बैठी हूँ, एक जगह से जा रहे थे कि का हो वीडियो बनवा था। हाँ बना रही हूँ वीडियो ही। कौन तेरी हंसी पे मैं मर ही ना। सो गाइस, पर इम्पोर्टेंट बात चीज छोड़ो, ये बताओ कि आपने किसे वोट किया बिग बॉस के लिए? क्योंकि आज वोटिंग का लास्ट डे था, उसके बाद तो होगा नहीं। 11 बजे तक था शायद, यानी 12 था। तो मैंने तो वैसे, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे ना अभिषेक बहुत पसंद है। मतलब अभिषेक की वीडियोस मुझे अच्छी लगती है, मैं बहुत पहले से फॉलो करती आई हूँ। एल्विस को तो मैंने अब देखा, अब जाना, बट मुझे ना फुकरा इंसान बहुत पहले से उसकी वीडियोस बहुत पसंद थी, उसकी मिस्ट्री बॉक्स वाली। मतलब बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जो मुझे स्पेशली अच्छी लगती थी, और प्लस ट्रिगर इंसान मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, तो उसकी वजह से भी मुझे वो अच्छे लगते थे। तो इसीलिए मैंने तो वोट किया है। एक सेकेंड, छाली जो है ना वो कटे रहते हैं। तो मैंने तो फाइनली उन्हीं को वोट करा है, और मनीषा रानी को भी थोड़ा सा करा था दूसरे आईडी से। बाकी एल्विश को मैं उतना नहीं जानती थी स्टार्टिंग से, तो एक दो दिन में या किसी को तुरंत से जान के मैं उसे वोट क्यों ही करूं। तो मैंने फाइनली करा है, तो वो करा है अभिषेक को, और मैं चाहती हूँ कि अभिषेक ही जीते। आप लोग कमेंट बताना कि कौन जीते, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, या आप लोग किसे चाहते हो? वैसे आज रात को तो पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा, फिर भी तब तक तो मैं ये ब्लॉग भी अपलोड कर दूंगी, तो आप बताना कि आपका जो एक्सपेक्टेड है वो कौन सा है, कि यहाँ ये होना चाहिए। वैसे ये सीज़न था जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसमें मज़ा आया क्योंकि इसमें सारे जो यूट्यूबर्स हैं आजकल, यूट्यूबर्स के और जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी जो है कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और ये इंटरटेनिंग भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बस फेम की वजह से बारिश आ गई। तो यही बात है कि हाँ, ये अच्छे खासे इंटरटेनिंग होते हैं इस वजह से। तो बताना बाकी सब चीज़ें, मुझे एक वीडियो शूट करनी है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ मुझे वीडियो शूट करनी है, तो बताती क्यों है, कर दिया करना चुपचाप, ये बात भी है। तो अभी चलना है, एक शॉर्ट वीडियो शूट करूँगी, और मैं पूजा की क्लिप्स आगे डालूँगी जो मैंने रिकॉर्ड करा था स्पेशल इस ब्लॉग के लिए, तो आप वो इंजॉय करो। तब तक मैं छत पर से कपड़े उठा के लाती हूँ क्योंकि बारिश आ गई है ना, तो वो गीले हो जाएंगे। दिख नहीं रहा क्या? मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ ना, इसलिए नहीं दिख रहा, फिर भी देखो। आई फ्लू हो गया, इसे चश्मे लगा के बैठी है। घर में मेरे सबको हो गया मुझे छोड़ के, मेरा सबको आई फ्लू हो रखा है मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रही हूँ। मैं इन लोग को देखती नहीं, और देखती भी हूँ तो काले चश्मे लगा के देखती हूँ, काले भी नहीं लगाऊँ तो कोई ना कोई वो चश्मा लगा के देखो। आप सबको भी मैं ये कह रही हूँ कि आपके घर में किसी को भी हुआ है तो आई कांटेक्ट वगैरह उनसे मत बनाओ, जितना हो सके उतना थोड़ा सा दूरी बनाओ उनसे। ज़रूरत नहीं है किसी को ऐसे झाँक के देखने को, ऐसे दिखाओ ऐसे। नहीं मैं नहीं देखती, उसने चश्मा लगा रखा है। हाउ बोरिंग व्लॉग, कोई बात नहीं, कभी कभी बोरिंग ही देख लेना चाहिए। क्या ही देखेंगे जादू, उसमें जादू नहीं होता, सब चूतिया बनाते हैं। उसको बड़ा सा सांप बना के लड़के को छाप बना दिए चूतिया। बारिश दिख रही है, बारिश बहुत हल्की हल्की सी हो रही है, जूम करूं शायद दिखे, नहीं दिख रही यार मेरे हाथ पे, दिखे शायद, हो सकता है। देखो हाँ, हाथ पे देखो दिख रहा है, देखो।
और प्लस मैं पेड़ के नीचे भी बैठी हूँ ना, इसलिए और नहीं दिख रहा। तो ये लोग जब आते हैं ना, इस कुत्ते को परेशान करते हैं, इस वजह से वो जब इन्हें देखता है तो ऐसे खड़े होके भगने लगता है। मेरा बसरे तो कभी कटवा दो ये सच में परेशान करते हैं उसे, सोते रहते हैं तो ये लोग मार मार के भागते हैं। हमने कोई स्पेशल इन्हें, मतलब हमारे पेट नहीं है ये, पाल के नहीं रखा, बट रहते हैं मेरे यहाँ एक मिस है, एक और रहता है साथ में, तीनों वहाँ उस पेड़ के पास रहते हैं हमेशा। कभी भी सोता है या कुछ करता है ना, तो ये लोग आते हैं, जब स्कूल से जाते हैं बच्चे तो मार मार के जाते हैं। हम लोग रहते हैं तो डांटते हैं, जैसे हम लोग नहीं रहते तो परेशान करते हैं, जैसे हम लोग अंदर चले गए या कुछ। बेचारे कितने शान से बैठे रहते हैं, स्टिल ये उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि वो लोग गिरा कि नहीं गिरा यार। वीडियो में आना चाहता है वो भी। चीटी चढ़ गई थी मेरे ऊपर।